के सर्वेक्षण के दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आज शहीदों के नाम हम लोग एक दिया जलाएं, उनको नमन करें और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो हम कम से कम अपने को स्वच्छ रखते हुए हम भी एक मिसाल पेश करें और उनकी याद में दिया भी जलाएं और अपने आचरण में बदलाव ला के स्वच्छता भी अपनी। कहाँ कहाँ आज सभी बच्चे सब क्या नाम है आपका? तराना जी, किस तरीके से आप दीपावली इस बार मना रही हैं? आप लोग देख रहे होंगे आपके दीपावली अपने जिसके शहर पर एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मनाई जा रही है। अपने रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने परसों इन्फॉर्मेशन दिया था कि हनुमत धाम और साथ में शहीद उद्यान में बड़ा सा दिया बना के संकल्प का स्वच्छता का दीप जलाइए। तो ये कल हनुमत धाम हुआ था, आज शहीद उद्यान होने वाला है जिसकी स्टार्टिंग हमारे इंस्पेक्टर डीएम से करने वाले हैं और जो स्वच्छता का दीप जलाकर इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और रही बात उसकी किस टाइप से ये सब हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चन में सब लोग एक साथ मिलके इस दीपावली को मनाया जा रहे हैं। हम लोग लोग कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम होते हुए आप कैसे देख रही हैं, मुस्लिम के सबसे पहले हम लोग इंडियंस हैं, एक इंडियन भारतीय होते हुए हमें सबसे पहले देखना चाहिए जो त्योहारों से पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, उसमें हिंदू ही बच्चे नहीं, उसमें मुस्लिम बच्चे भी, उसमें सिख भी है, उसमें क्रिश्चन भी है, सभी मिलकर आज हम लोग यहाँ पे स्वच्छता का दीपक जो स्टार्टिंग होगी इसके अंदर सब लोग मिलकर दीओ से अपनी दीपावली को बनाएंगे यहाँ पे। और सभी को फाइनली मैं सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। माननीय जिलाधिकारी महोदय, इस समय वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर वीर सी दीपावली।